आइए बाइबल सीखें। बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर के चरित्र को समझ सकते हैं। जब हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, केवल बस हम उनके गोल चश्मे को याद कर पाते हैं, लेकिन हम उनके बारे में ज़्यादा गहराई से नहीं जान पाते, क्योंकि हमने उनको देखा नहीं। हमने परमेश्वर को आमने सामने नहीं देखा, केवल बस हम यह समझते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, लेकिन हम परमेश्वर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। बाइबल एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के चरित्र को समझ सकते हैं। रोमियो 12 अध्याय उसका 20 पद कहता है कि परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। मत्ती 5 अध्याय उसका 39 पद कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ दो कोस चला जा। मती 18 अध्याय उसका 22 पद कहता है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। ये आज्ञाएं हमें पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाती हैं। जब हम परमेश्वर से चंगाई को मांगते हैं तब वह हमें चंगा करता है, और कुछ समय के बाद हम उसे धोखा दे देते हैं और पाप के मार्ग पर चले जाते हैं। और जब हम समस्याओं का सामना करते हैं और फिर दोबारा बीमारी हमें घेर लेती है, तब हम वापस परमेश्वर के पास लौटते हैं। वो हमसे कभी यह नहीं कहते कि तुम उस अनुग्रह को नहीं जानते कि मैंने आपकी मदद की थी, परंतु तुमने मुझे धोखा दिया। और जब तुम समस्याओं का सामना करते हो, तुम मेरे पास फिर से आते हो और मुझसे चंगाई के लिए प्रार्थना करते हो। अगर हमारा मित्र हमें धोखा दे और जब वह हमारे पास वापस लौटकर आए, तब हम इस तरीके से कह सकते हैं, लेकिन भलाई और प्रेम के पिता परमेश्वर कहते हैं कि हाँ, मैं आपके दर्द और परेशानियों को जानता हूँ, मेरे पास आइए, मैं हमेशा आपकी प्रतीक्षा करता हूँ, हाँ मैं आपको चंगा करूँगा। परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ देता है और दर्द और जख्मों को भरता है और हृदय को तसल्ली देता है। हाँ, वास्तव में परमेश्वर भला परमेश्वर है। वह हमें 7 का 70 गुना माफ़ करता है और इससे भी बढ़कर वह हमें माफ़ करता है। यीशु मसीह हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता, उन्होंने हमारे पापों को उठाया, लोगों के द्वारा उनको मारा गया और उनका मजाक उड़ाया गया और उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। वो अपनी आत्मिक सामर्थ्य का इस्तेमाल कर सकते थे और उन लोगों का नाश कर सकते थे जो उनके विरोध में खड़े हैं। हमारे लिए उन्होंने उस दर्द को उठाया और परमेश्वर से प्रार्थना की, पिता कृपया उन्हें क्षमा करें, और हमारे लिए आंसुओं को बहाया। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में एक माँ की तरह वास करता है। वह हमारे सत्य की ओर अगुवाई करता है और हमें दिलासा देता है। वह हमसे हमेशा कहता है कि हाँ, मैं आपसे आशा रखता हूँ, आप कर सकते हैं, हाँ आप कर सकते हैं। वह हमेशा हमें उत्साहित करता है, और हमारे लिए पवित्र आत्मा आंसुओं के साथ परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है। ये सब परमेश्वर के चरित्र हैं। उनका प्रेम और भलाई बाइबल में आज्ञाओं के रूप में दी गई है कि हमें क्या करना है। रोमियो 12 अध्याय उसका 20 पद कहता है कि परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। मत्ती 5 अध्याय उसका 39 पद कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ दो कोस चला जा। मती 18 अध्याय 22 पद में यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, यह प्रेम है जो हम परमेश्वर से प्राप्त कर रहे हैं।
हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम और भले हैं, इसीलिए हम भी परमेश्वर के भले और प्रेमी चरित्र के सदृश होना चाहते हैं, क्योंकि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को बहुतायत से प्राप्त कर रहे हैं और स्वयं परमेश्वर भी इन आज्ञाओं का पालन करते हैं। वास्तव में ये परमेश्वर का स्वभाव है। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के प्रेम और भलाई की तरह हमारा स्वभाव भी बदल जाएगा।